नमस्कार, बीसीए न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। जनपद हापुड़ में गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना होने से उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बुधवार को सामने आया, जहां ग्रामीणों ने घोड़ा तांगे में राशन बेचने जा रहे एक राशन डीलर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार थाना हापुड़ देहात के गांव सलाई में एक राशन डीलर चावलों के कट्टे भरकर तांगे में रखकर बेचने बाजार जा रहा था। तभी लोगों को शक होने पर उन्होंने राशन डीलर को पकड़ा और हंगामा करते हुए पुलिस को सौंप दिया। इससे पहले भी काफी बार राशन डीलर कमतौल व राशन में गड़बड़ी के आरोप में सुर्खियों में आ चुका था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से कोई इस राशन डीलर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और आज भी ग्रामीणों ने बताया कि आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से राशन डीलर राशन गरीबों को न बांट कर या कम देकर बचा राशन बाजार में अधिकतम मूल्यों पर बेच देता है। हालांकि एआरओ जगन्नाथ राणा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की, जिसमें जांच के दौरान जगन्नाथ राणा ने बताया कि अभी राशन दुकान पर करीब 6 क्विंटल गेहूं 4 क्विंटल चावल मिले हैं, जिसकी अभी जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाकत अली। यहाँ क्या पकड़ा गया? चावल पकड़ा गया राशन का। अच्छा, कौन सा गांव है? सलाई। कितने कट्टे हैं? 10 कट्टे। 300-400 आदमी है, सब के सामने पकड़ा गया। राशन डीलर का क्या? राशन डीलर का नाम वो है खालिद। क्या नाम है? मेरा सफीर। क्या यहाँ क्या हुआ था गाँव? चावल तांगे में रखे हुए, तांगे वाले की दान भूजा हमने, वो कैसा आया भाई तू ने मुझसे बताया कि वो कट्टे है चावलों के, कहाँ जा रहे हैं, बिकने जा रहे हैं। तो आप कहाँ पर हैं वे चावल? थाने को यहाँ से पुलिस वाले ले गए। कौन से गांव का है? सलाई। क्या नाम आप? ओम कार जी। ये चावल पकड़े हैं, क्या मामला है? हाँ जी, मुझसे तो नौकरी मेरे 10 कट्टे गेहूँ के हैं। अच्छा, है बोरी रात तक आएंगे ना वहीं मेरे। किसने कही? किसने निकला चावल? किसने कही आप? ये खालिद। ये तुमने भरे कहाँ से? ये लोड कहाँ से दिया? खालिद के वहीं से, गोदाम से। दुकान पे से भरे थे? खालिद कौन है? डीलर। सूर्या का देवर है डीलर का। पीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। एसॉर्ट ऐप एक प्लेटफॉर्म पर सेलर और परचेसर को मिलेगा बढ़ावा। वैसे तो कई ई कॉमर्स मार्केटिंग की कंपनियां लोगों को लोक लुभावनी बातों में लेकर अपना सामान बेचती है, परंतु एसॉर्ट ऐप दरअसल भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है जो देश के हर वर्ग और व्यापारी समूह को माइक्रो एंटरप्रेन्योर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रही है। यहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स तो बेच ही सकते हैं, साथ ही एक कम्युनिटी के तौर पर ग्रो भी कर सकते हैं। भारत में तेजी से आगे बढ़ती डायनामिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की एसॉर्ट कंपनी ने हाल ही में अपनी ऐप भी लॉन्च की है, जो अब एसॉर्ट से जुड़े बिजनेस ओनर्स के लिए होगी और भी आसान। कंपनी के हेड अमरीश रंजन का कहना है कि एसॉर्ट वेबसाइट से हटकर ऐप में कम्युनिटी के लिए अनेक ऐसे सेक्शन होंगे जो इससे जुड़े बिजनेस ओनर्स के कामों को न केवल रफ्तार देगी बल्कि उनको ग्रो करने में भी मदद करेगी। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करना और इस्तेमाल करना बेहद आसान है। पूछने पर रंजन ने बताया कि अभी ऐप अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। आपको बता दें, देश में लगभग 28,000 पिन कोड है, जिसमें 27,000 पिन कोड पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करता है। फिलहाल एक नज़र ऐप के फीचर्स पर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको ये नया ऐप लॉन्च किया। क्या ये ऐप है, क्या खासियत है, इसके बारे में बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक कस्टमर के लिए भी है और जो हमारे सेलर कम्युनिटी है, जो हमारे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से परचेज करके आगे सेल करके अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं, उन दोनों लोग के लिए ये बहुत ही आसान बना दे रहा है बिज़नेस को करना। वेबसाइट भी है हमारी, लेकिन वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप वेबसाइट मोबाइल पे खोलें तो वो चीज़ दिखती नहीं है या उस चीज़ का यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वही बातें ऐप में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं और लोगों को उसकी यूज़फुलनेस बता सकते हैं।
तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये हुआ हमारे कस्टमर्स के लिए, जो कुछ भी नया परचेज़ करना चाहता है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा परचेज़ करना। दूसरा, जो बिज़नेस करना चाहता है, जो हमारे सेलर कम्युनिटी है, उनके लिए भी बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हमने डाले हैं। जी, किस तरह का इसमें जो सामान जो परचेज जो करेंगे कस्टमर होंगे, किस तरह के सामान यहाँ पे अवेलेबल होगा? यहाँ पे लगभग हर तरीके का सामान अवेलेबल है। आप चाहे गारमेंट्स ले लीजिए, या मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, या ग्रॉसरी आइटम ले लीजिए, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले लीजिए, डेली की जो आपके यूज़ के सामान है आप वो ले सकते हैं। उस तरीके के सारे आइटम फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव अवेलेबल हैं। लेकिन ये केवल एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें हमने बहुत सारे और भी फीचर्स ऐसे डाले हैं जिससे हमारी सेलर कम्युनिटी अपने आप को एक अलग तरीके का अपग्रेड करने मतलब कर सकती है इससे। और उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक इसमें सेक्शन है एक्सपीरियंसेस का, जहाँ पे वो कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं या ख़ुद भी एक ट्रेनर बन सकते हैं। एक इसमें फीचर है फीड का। फीड क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एसॉट में कुछ लॉन्च हुआ, या कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लेटेस्ट अपग्रेड है, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, वो सारी चीज़ें आप उस फीड में जाके देख सकते हैं रियल टाइम। जैसे आप फेसबुक से स्क्रॉल करते हैं, रियल टाइम अपडेट आती रहती हैं उसमें, वैसे ही वहाँ पे भी अपडेट्स लोगों को आती रहती हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना इस ऐप के थ्रू ज़्यादा ईजी हो गया है एज कम्पेयर टू या बनस्पत उस वेबसाइट पे। लेकिन जो सेलर और परचेजर आप बोल रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जी जो परचेजर है जी, उस कंपनी को कैसे सर्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ आप, मैं अगर सेलर हूँ और मैं आपकी ऐप से जुड़ना चाहता हूँ जी, तो आप उसको कैसे सर्टिफाई करें कि मैं नंबर वन कंपनी हूँ, या मैं सर्टिफिकेशन मैं हूँ, या फिर अच्छा मैन्युफैक्चरर हूँ जी, जो आगे कस्टमर्स को जी सर्टिफिकेशन देगा? जी, पहले तो हमारा 10 लाख का डेटाबेस का कम्युनिटी बेस है, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आपके पास 10 लाख कम्युनिटी बेस है, तो कोई भी सेलर होगा वो जब देखेगा ऑलरेडी, पहले तो कितना बड़ा कम्युनिटी बेस है, दूसरा इनके पास ऑलरेडी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो वेबसाइट पे और जो ऐप पे दिख रहे हैं। तो जब कोई भी सेलर हमारे पास आता है तो वो ये सारी बातें देखता है कि मेरे वॉल्यूम्स कितने निकलेंगे, मेरा माल कितना बिकेगा, कितने ऑर्डर्स यहाँ पे जनरेट होते हैं डेली बेसिस पे। वो जो उसको सर्टिफिकेशन कैसे होगा कि मैं जो सेलर हूँ जी, जो परचेजर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ जी, मैं बिल्कुल नंबर ठीक है मेरे जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, रेटिंग उसका वेरिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक इसमें सेक्शन है ऐप में वॉन्ट टू बिकम अ सेलर पार्टनर, तो वो उस पर वो क्लिक करेगा और वहाँ पर एक फॉर्म भरेगा। जब वो फॉर्म भरेगा और बताएगा कि मैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ मतलब सेल करना चाहता हूँ, और अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उस फॉर्म में भरेगा, हमारी एक टीम है पूरी जो उसको स्क्रीन करेगी, स्कैन करेगी और वेरीफाई करेगी कि ये सेलर पार्टनर हमारे वहाँ आने के लायक है कि नहीं, या ये इतने वॉल्यूम्स दे पाएगा भी कि नहीं। वो सारा फिर एक उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसे ही वो क्लियर करता है फिर हम उसके प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड करते हैं। एप्लीकेशन है जी, जी, जो अच्छा कर रही है और लोग आदि बन चुके हैं जी, क्या कुछ ये टक्कर दे पाएगी और क्या कंपटीशन है, क्या नया है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे बताया कि हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, तो हमारे जो कम्युनिटी है 10 लाख लोगों की, उनसे वो क्योंकि सेलर भी हैं, वो खरीदते हैं और वो आगे सेल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आप अगर आप पॉपुलर लोगों के आप नाम लें, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनके पास ये मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी आके पहले तो एज अ कस्टमर, इसको हम कहते हैं को कॉमर्स, कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स करते हैं, हम केवल अलग से ई कॉमर्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे पास आता है तो उसको ये प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है वो प्लेटफॉर्म उसको वहाँ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसको कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स करने का जो मिलता है वो एसॉट पे ही मिल रहा है, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है। सर, रूरल इलाके में जहाँ पे, जैसे बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट देता हूँ मैं, डेटा देता हूँ,
हमारे जो ऑर्डर्स आते हैं, अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं उनमें से 80% जो ऑर्डर होते हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के ही होते हैं, ठीक है। इससे कहने का मतलब ये है कि जो रूरल एरियाज हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स कर रहे हैं। वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भले ना जा रहे हों लेकिन क्योंकि वो यहाँ से बिजनेस चला रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वैसे तो वेबसाइट यूज़ कर ही रहे थे। अब देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन तो आज की डेट में इंडिया में जितने हैं कहीं नहीं हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से चाइना में ही थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन इंडिया में जितने हैं कहीं भी नहीं है। तो वो एंड्रॉयड फ़ोन ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। जो हमारा रिकॉर्ड कहता है, हमारे 90% कस्टमर्स फ़ोन से ही बिजनेस कर रहे होते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप से नहीं कर रहे होते हैं। तो जब वो फ़ोन से ही बिज़नेस कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि उनको फ़ोन से ही बिज़नेस करना और आसान बनाए, उसी के लिए ही ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हमारे मॉडल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी और ई कॉमर्स प्लेयर्स को प्रॉब्लम आती होगी। डिलीवरी की व्यवस्था की है आप? उसमें से 27,000 पिन कोड पे हम डिलीवर करते हैं। सर ये बताइए, अभी ओपन मार्केट के लिए ई मार्केट में जो चल रहा है, बूम चल रहा है, और उसमें कोर्ट में भी फैसला भी आया है। जी हैवी कॉम्पिटिशन कमीशन वाला, जी सेलर कर रही है मार्केट, तो जो फुटकर मार्केट है वो उस पर उनको ऐतराज है, डिस्काउंट्स हैं, परचेजर है, जी उस पर आपने किस तरीके फोकस किया है? हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है, बहुत अच्छा डिसीजन है ये कोर्ट का, क्योंकि जब आप हैवी इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है, सीसीआई के अंडर में आता है, वहीं से ही ये कंप्लेंट उठी थी एक्चुअली जब ये कोर्ट में पहुंची। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि आप कुछ प्लेयर्स को आगे करने के लिए उनके उनको फ्रंट पेज पे अपने दिखा के, उनको अलग से फेवर दे के, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका नुकसान करते हैं आप, उनको एक तरीके से किल कर रहे होते हैं मार्केट, स्टार्टअप हो गया, स्टैंडअप, उनको किल कर रहे होते हैं, उनका माल बड़ी कंपनियां नहीं खरीदती हैं, बिल्कुल वो अपने प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपके साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि यहाँ का मॉडल ही अलग है। यहाँ पे हम कस्टमर्स तो मोस्ट वेलकम है ही हैं, लेकिन जो को कॉमर्स मॉडल है, कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स जो मॉडल है, वो बिल्कुल यूनिक है, वो वहाँ पे नहीं है। इसीलिए उनको ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और छोटे प्लेयर्स को किल करने के लिए। छोटे प्लेयर्स आर वेलकम। एक ऐसे ही हमारा एक कम्युनिटी के थ्रू ही हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था कि अगर आपका खुद की ब्रांड हो, जैसे आपने देखा भी था उसमें प्रेजेंटेशन में, आप उसको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, तो उसका नाम हमने दिया था मिशन वृद्धि, मतलब आप जहां हैं उससे आगे वृद्धि करिए। तो वो कम्युनिटी बेस्ड सेलर भी हैं और साथ में वो वेंडर पार्टनर भी हैं, वो अपनी ब्रांड्स हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर रहे हैं। क्या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट उनको ये सहूलियत देगा? नहीं देगा, हम दे रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ना, इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है, इससे हम फ्रंट फुट पे हैं, जिससे कि मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमसे नए जुड़ते हैं उनको डिफरेंस वो दिखता है। सर एक लास्ट चीज़ ना, ठीक है, सिक्योरिटी दे सकते हैं जी, मैं अगर आपसे जुड़ता हूँ तो सिक्योरिटी रीजन आपका कैसे रहेगा कि मैं आपका डेटा ना लीक हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो देखिए, इसके तो अराउंड आईटी एक्ट में ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट क्लॉजेज हैं, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन और जिस वॉल्यूम पे हम रहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये इसके अराउंड जितनी भी स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें वो करते हैं। कभी कोई ऐसा केस आया नहीं है, 10 साल 11 साल हो गए हैं इस कंपनी को, कभी ऐसा कोई केस आया नहीं कि इस तरीके का कोई डेटा ब्रीच हुआ हो, हमारी नॉलेज में तो नहीं आया। अगर हुआ होता तो बिल्कुल आया होता। बड़ी बड़ी कंपनियां वैसे इस डेटा ब्रीच से बच नहीं पाई हैं। आप अभी थोड़े दिन पहले ही अभी ये जुबिलेंट का भी, डोमिनोज वालों का भी हुआ था, और हाँ सबका, फेसबुक का तो होता ही रहता है। लेकिन फिलहाल हमारी जो डेटा, क्योंकि मैं भी जो कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली निट सिस्टम है, हर किसी का डेटा हम स्टोर भी नहीं करते ज़्यादा। अगर कोई कस्टमर ने परचेज करके चला गया, उसका बहुत ज़्यादा डेटा है ही नहीं हमारे पास, लेकिन जो एज अ सेलर रजिस्टर कर रहा है, कम्युनिटी मेंबर रजिस्टर कर रहा है, उसका डेटा बहुत सिक्योर रखते हैं हम। ये हमारा मतलब, ये तो लॉ है, ये तो कानून है, वो तो हमें फॉलो करना ही है। सर ये ऐप कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, कैसे डाउनलोड? सर प्ले स्टोर पे आप जाइए, आप सिंपली ASOS टाइप करिए, ASOS ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों बड़े प्लेटफॉर्म है, दोनों जगह अवेलेबल है।
डाउनलोड फ्री है जी? हाँ, डाउनलोड फ्री है और एक और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और कितने डाउनलोड अब तक हो गए हैं? मेरे ख्याल से 1,00,000 के करीब हम टच कर रहे हैं और इस महीना हम और इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी, मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं जी, क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी उनको टक्कर दे पाएगी, उनसे बेस्ट हो पाएगी? कितना विश्वास है? देखिए, हम तो वो हैं जो हम केवल अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और मार्केट के बारे में कम सोचते हैं। अगर आपने इस मॉडल को थोड़ी सी देर में थोड़ा सा भी समझा होगा तो ऐसा यूनिक मॉडल आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो पहले तो कंपटीशन तो है ही नहीं हमारा कोई, हम खुद अपने कंपटीशन है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। जी, आपका कंपनी का मिशन क्या है कि कहाँ तक पहुँचने का मिशन? मिशन तो ये है जी कि अगले 3 साल में हमें इस कम्युनिटी को कम से कम 5 करोड़ तक पहुँचाना है। वो क्लियर करता है, फिर हम उसके प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड करते हैं। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जो अच्छा कर रही है और लोग आदि बन चुके हैं जी, क्या कुछ ये टक्कर दे पाएगी और क्या कंपटीशन है, क्या नया है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे बताया कि हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, तो हमारे जो कम्युनिटी है 10,00,000 लोगों की, उनसे वो क्योंकि सेलर भी हैं, वो खरीदते हैं और वो आगे सेल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आप अगर आप पॉपुलर लोगों के आप नाम ले, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनके पास ये मॉडल नहीं। तो यहां पे कोई भी आके पहले तो एज अ कस्टमर, इसको हम कहते हैं को कॉमर्स, कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स करते हैं, हम केवल अलग से ई कॉमर्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे पास आता है तो उसको ये प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है वो प्लेटफॉर्म उसको वहां अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसको कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स करने का जो मिलता है वो ASOS पे मिल रहा है, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। नेमावर हत्याकांड के बाद आंदोलनकारियों की बढ़ती भीड़ से नेमावर के नागरिकों में भय व्याप्त, प्रतिष्ठान बंद रखकर पुलिस से सुरक्षा की गई मांग। देवास जिले के नेमावर में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर नागरिकों को, व्यापारी प्रबुद्ध जनवर वाहनगर वासियों ने पुलिस थाना नेमावर पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन SDOP प्रशांत भदौरिया को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका बाहर से जो लोग आ रहे हैं या हत्याकांड का विरोध करने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन में भाग लेने वे लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, इससे उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी न फैल जाए। नगरवासियों के द्वारा इसके लिए उन्हें हमारी तरफ से आश्वस्त किया गया। पुलिस प्रशासन IPC के तहत व एवं एक्ट के तहत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही कोई भी नगरवासियों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई कि बाहर से बहुत से लोग आ रहे, भीड़ में कौन कौन लोग आ रहे हैं ऐसा संदेह जताया जा रहा है। लोग इस भीड़ का नाजायज फायदा उठाकर चोरी चपाटी, मारपीट, लूटपाट कर रहे हैं। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी, जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं वह कार्रवाई करेंगे। साथ ही नगरवासियों का यह भी कहना है जगन हत्याकांड के दोषियों को फास्ट कोर्ट में चलाकर उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। नेमावर थाने पर आकर ज्ञापन दिया, क्या मामला है? ये पूरा मामला जो बाहर से अलग अलग संगठन के जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो मंच के द्वारा गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं इससे तो दुकानदार पूरे परेशान हैं और गलत गलत अफवाहों के तरीके से वो ऐसे भयभीत होकर ऐसे लोगों को चमका रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे पूरे नगरवासी, पूरे व्यापारी इससे परेशान है। इसी विषय में हमने आज थाने नेमावर में आकर SDOP साहब को ज्ञापन दिया है, सर इस पर रोक लगाई जाए, जो दोषी हैं उनको फास्ट कोर्ट के तहत फांसी की सजा दें। हम उनके पूरी तरह उनके साथ हैं, प्रशासन के साथ है, पूरा गांव उनके साथ, जो दोषी हैं दोषी को फांसी की सजा दें जल्दी से जल्दी, ताकि गांव वालों को परेशान ना करें। वो आज नेमावर के कुछ प्रबुद्ध जन व्यापारीगण और समाज के नगरवासियों द्वारा एक कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उनके द्वारा एक आवेदन में ये लिखा है
कि जो कोरोना महामारी के चलते जो गाइडलाइंस लगाई गई हैं उसका जो बहुत से लोग जो आ रहे हैं बाहर से धरना प्रदर्शन इस जगन हत्याकांड को लेकर धरना प्रदर्शन करने ये जो भी विरोध दर्ज करने वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे कस्बे में कहीं महामारी ना फैले, तो उसके लिए उन्हें हमारी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि पुलिस और प्रशासन जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी, चाहे कोई भी हो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी महामारी एक्ट के तहत IPC के तहत। साथ ही साथ सर आंदोलनकारियों के लिए भय भी बना हुआ गांव के लोगों को, गांव नगरवासियों द्वारा ये एक आशंका व्यक्त की है कि क्योंकि बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं तो पता नहीं इस भीड़ में कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो उनके द्वारा एक ऐसा संदेह और एक आशंका बताई है कि हो सकता है कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर चोरी चपाटी करें, हमारे साथ मारपीट या कुछ भी लूटपाट करें, तो उसके लिए भी उन्हें निश्वस्त किया गया है कि पुलिस पेट्रोलिंग और ये रगाई रखी है और जो भी होगा आगे हम इस पर निरंतर कार्रवाई करेंगे। खातेगांव से संवाददाता महेश वारीवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अरुण उइके देवास। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान भू अर्जन और जिले के तकनीकी विभाग के अधिकारी और इंजीनियर शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। DM ने पुल निर्माण विभाग के द्वारा जिले में बनाए जा रहे विभिन्न पुल पुलिया अद्यतन रिपोर्ट को जाना। वही पथ निर्माण विभाग के द्वारा जिला प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। साथ ही लघु जल संसाधन विभाग और भवन निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली और काम में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता राजेश झा, DDC सुनील कुमार सहित कई अधिकारी इस समय मौजूद थे। देखिए कानून लाना केंद्र सरकार का अपना या मोदी जी का अपना आइडियोलॉजी है, विरोध करना भी अपना आइडियोलॉजी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज से बहुत पहले इमरजेंसी के ज़माने में जनसंख्या को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए, क्या सक्सेसफुल हुआ और हर आदमी अपना आहार लेके पैदा होता है ना। और आप ये सोचिए कि आप आबादी कम करके क्या कर लेंगे, चीन ने आबादी को नियंत्रण करना बंद कर दिया, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश है, तो आप क्या कहेंगे इस पर, कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आज DM साहब के पास आए मिलने किस जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लाने की बिल बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, वो कहाँ गया? COVID-19 की जो कोरोना काल में क्या इलाज की व्यवस्था हुई, क्या वैक्सीन दिलाने की व्यवस्था हुई, सब कम्प्लीट फेल्योर है। अभी ये नई नई चीज़ कहीं बोलेंगे, कभी पुलवामा में बम छोड़ देंगे, एक साथ पाकिस्तान से अटैक हो गया, मतलब जनता को गुमराह करने की बात। अभी क्या कर रहे हैं वो, विकास तो किए नहीं, रोजगार दिए नहीं, अब कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून आप कह रहे हैं कि 2008 के बाद जो 2 बच्चे से अधिक है वो कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं। आपको तो उदाहरण स्वरूप आपको जो हमारे आदरणीय जोगी जी UP के मुख्यमंत्री हैं वो 6ठे संतान है अपने माता पिता का, उनको तो पहले त्याग पत्र देना चाहिए पद से और नमूना पेश करना चाहिए कि मैं 6ठा पुत्र था माता पिता का, मैं देता हूँ त्याग पत्र। आप अपने तो कुछ करिएगा नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह करने का कि आप एक नई चीज़ लाए हैं। अरे जब शिक्षित होंगे बच्चे बच्चियाँ, निश्चित तौर पर सब लोग समझते हैं कि बच्चे बच्चियाँ को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, खर्चे आते हैं, सब लोग अपने आप कम कर रहे हैं, कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता को आगाह कीजिए, जनता से आग्रह कीजिए कानून लाके किसी जनता पर दबाव बनाना ये उचित नहीं है, लेकिन जनसंख्या कम करना निश्चित तौर पर चाहिए लोगों को, इसलिए कि पूरा परिवार खुशहाल रह सके, लेकिन कानून हमारे समझ से लाना उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी का मैंने देखा है, उन्होंने कहा है कि महिला को शिक्षित कीजिए, सिर्फ महिला ही नहीं पुरुष को भी शिक्षित करनी होगी। जब दोनों शिक्षित होंगे और समझेंगे कि जो बाल बच्चे को हमें शिक्षित करके आगे बढ़ाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, निश्चित तौर पर कोई भी आदमी की आमदनी इतनी नहीं होती कि 7-8 बच्चे पैदा करें, तो आमदनी कम होता है, खुद लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी बोले सिर्फ महिला, उनको पुरुष को भी शिक्षित करना होगा, तभी जनसंख्या में कमी आएगी। BCN न्यूज के लिए भागलपुर बिहार से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट।
आज के प्रदेश के खबरों में वक्त चला है यही रुकने का। ताजा खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।